सो व्हाट्स अप गाइस एंड वेलकम टू अनदर एंड अ फ्रेश वीडियो गाइस। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गाइस कि ओल्ड क्रेटा वर्सेस न्यू क्रेटा, जो 2020 में क्रेटा आई है, जो बेस्ट सेलिंग कार अब इस वक्त बन चुकी है, तो उसमें और ओल्ड क्रेटा में ऐसा क्या डिफरेंस है। ऑब्वियसली फीचर्स का कुछ ना कुछ डिफरेंस हम लोगों को देखने को मिलेंगे, उसमें नई टेक्नोलॉजी, उसमें पुरानी टेक्नोलॉजी थोड़ी सी हो चुकी है। तो अब हमें बात करेंगे इसकी डायमेंशंस की, इसके इंजन की और इसके प्राइस की। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो गाइस सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे इसके साइज़ की, इसकी डायमेंशंस की, कौन सी ज़्यादा वाइडर हमें देखने को मिलती है, पुरानी वाली ज़्यादा बड़ी थी या ये वाली ज़्यादा बड़ी है, कौन सी ज़्यादा वाइडर है, किसका लॉन्ग व्हील बेस वगैरह क्या हिसाब है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसकी लेंथ। तो ओल्ड वाली की जो लेंथ थी वो थी 4270 mm, जी हाँ 4270 mm, और नई वाली की है 4300 mm प्लस 30 mm। विड्थ में अगर हम बात करें तो 1780 mm ओल्ड एंड 1790 mm प्लस 10 mm न्यू। हाइट की अगर हम बात करें तो 1665 mm ओल्ड, 1635 mm माइनस 30 mm न्यू। व्हील बेस की अगर हम बात करें तो 2590 mm ओल्ड, 2610 mm प्लस 20 mm न्यू। बूट स्पेस 400 liters का उसमें हमें ओल्ड में देखने को मिलता था, और न्यू में 433 liters प्लस 33 liters का इसमें हमें न्यू में देखने को मिलता है। और गाइस थैंक्स टू द न्यू अंडरपिनिंग्स, द न्यू क्रेटा 2020 क्रेटा इज लॉन्गर एंड वाइडर, इट हैज Also a longer wheelbase and a bigger boot space. And but the thing is, जो हम लोगों को इसमें थोड़ा सा मानना पड़ेगा कि जो ओल्डर क्रेटा थी वो टॉलर ज़्यादा थी, अगर हम न्यू क्रेटा 2020 क्रेटा के उसमें देखें तो कंपेरेटिव। और गाइस अब बात आती है इसके एक्सटीरियर की। एक्सटीरियर की लुक के बारे में मैं ऐसा कुछ कमेंट नहीं करूँगा, मेरे को तो दोनों लुक बहुत बढ़िया लगी। आप लोग भी कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को कौन सी क्रेटा की लुक ऑब्वियसली ज़्यादा अच्छी लगी, न्यू वाली की या ओल्ड वाली की। मेरे को दोनों बढ़िया लगी, पर फिर भी एक्सटीरियर की अगर इसकी बात करें तो द टू क्रेटाज आर वर्ल्ड अपार्ट व्हेन इट कम्स टू द एक्सटीरियर स्टाइलिंग। व्हाइल द ओल्ड क्रेटा लुक्स कन्वेंशनल, द न्यू वन हैज़ अ पोलराइजिंग डिज़ाइन अप फ्रंट। द 2020 क्रेटा फीचर्स अ लार्ज कास्केडिंग ग्रिल फ्लैंक्ड बाय बम्पर माउंटेड एलईडी हेडलैम्प्स एंड सी शेप थ्री पार्ट एलईडी डीआरएल्स। द फर्स्ट जनरेशन क्रेटा ऑन द अदर हैंड फीचर अपस्वेप्ट हेडलैम्प्स फ्लैंकिंग द कैस्केडिंग ग्रिल। तो ये चीज़ें, और आप लोगों को मैं बताऊँ इसकी मैंने पूरी फीचर्स में आप लोगों को बढ़िया तरीके से मैंने वीडियो दिखा रखी है। ओल्ड क्रेटा की दो होंगी, 2017 भी होंगी, 2018 या 19 भी आप लोगों को मेरे चैनल पर देखने को मिल जाएगी, और 2020 की क्रेटा की मैंने वीडियो डाली है। तो वो अगर आपने वीडियोस नहीं देखी, आपको अगर बिल्कुल ही बढ़िया तरीके से आपको उसके कार के रिव्यूज़ देखने हैं तो आप मेरे चैनल को और भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप लोग ऐसी वीडियोज़ के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में वो वाली वीडियोज़ का लिंक है, प्लीज़ आप आ जाकर देखो। और अगर हम बात करें फ्रॉम द साइड, बोथ द SUV's फीचर्स अ नियर सिमिलर सिलहॉट। That said, while the new Creta looks more muscular from the side with flared wheel arcs, तो अगर हम साइड से देखेंगे गाइस इस क्रेटा को, 2020 क्रेटा को, तो आप लोग देखोगे कि यह बहुत मस्कुलर देखने को लगती है, और ओल्डर क्रेटा की बिल्कुल एक क्लीन प्रोफाइल है विद अ शार्प शोल्डर लाइन रनिंग अक्रॉस इट्स लेंथ। तो ये भी आप चीज़ में नोट करोगे। द फ्रंट एंड रियर फेंडर्स आर बिट कार्वियस कंपेयर टू द बॉक्सी वन ऑफ द ओल्डर मॉडल। Both the SUVs feature 17-inch alloys, but the different designs. आप लोगों को इसमें 17-inch alloys देखने को मिल जाएंगे, but obviously बात यह है कि ये 2020 क्रेटा है, वो ओल्डर क्रेटा है, फर्स्ट जनरेशन क्रेटा जो आप देखोगे इसमें, तो वो ऑब्वियसली उसमें डिज़ाइन अलग अलग देखने को आपको मिलेंगे, बट 17-inch alloys इज सेम। तो अब बात करते हैं गाइज, सिमिलर टू द फ्रंट द रियर डिज़ाइन ऑफ द टू SUVs आर ऑल्सो पोल्स अपार्ट। Where the older continues to be conventional looking, the new Creta replicates the front design with an identical C-shaped split element for the tail lamps. Overall, whereas the design of the older Creta was simple and cleaner and easily likable, the new Creta looks flashy and radical. तो इंटीरियर की फोटोज़ जो है वो भी मैंने इसमें दिखा दी, और बाकी डिटेल पूरा आपको देखना है इंटीरियर में क्या क्या फीचर्स है, तो आपको मैं फिर बता रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोनों वीडियोज़ के, आप जाके देख सकते हो। ये मैं पहले भी अपलोड कर चुका हूँ और इस पर रिस्पॉन्स भी थोड़ा बहुत ठीक मिल चुका है। तो न्यू क्रेटा का रिस्पांस थोड़ा बहुत मेरे को इसलिए नहीं मिला क्योंकि मैंने उसमें आपको फीचर्स बता दिए थे थोड़े से टॉप मॉडल के, मैं आपको सिर्फ फीचर्स बता रहा था, बट मैं आपको ये एक्सप्लेन करना भूल गया, बट
पॉसिबल हुआ तो मैं फिर से आपको उसकी वीडियो बना के दिखाऊंगा। तो अगर हम इसके कैबिन की बात करें, इसके इंटीरियर की बात करें, तो द 2020 क्रेटा ऑल्सो गेट अ रीडिजाइन कैबिन लेआउट। द टॉप माउंटेड 7-inch टच स्क्रीन इनफोटमेंट फ्लैग्ड बाय एसी वेंट हैव बीन रिप्लेस्ड बाय लैंडस्केप ओरिएंटेड 10.25-inch टच स्क्रीन यूनिट विच सिट्स बिलो द सेंट्रल एसी वेंट्स। तो ये आप इसकी इंटीरियर की फोटोज़ भी मैंने इसमें डाली, आप अगर वीडियोस में नहीं बढ़िया तरीके से समझ आ रहा है तो आप फोटोज़ में देख सकते हो। द एसी वेंट्स हैव आल्सो बीन रीडिजाइन एट अ गेट ब्रंच एल्यूमिनियम इंसर्ट मेकिंग इट लुक प्रीमियम। इट आल्सो फीचर्स अ न्यू फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग व्हील। आप इसका स्टेयरिंग व्हील भी देखो तो आपको इसमें काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। अब बात आती है गाइस के फीचर्स की, तो अगर हम सेफ्टी फीचर्स की सबसे पहले बात करें, सेफ्टी फीचर्स तो बोथ द एसयूवीज गेट अ डुअल फ्रंट एयरबैग्स। इसमें आपको दोनों में ही देखने को मिलेंगे डुअल फ्रंट एयरबैग्स, एबीएस विद ईबीडी, रियर पार्किंग सेंसर एंड अ फ्रंट सीट बेल्ट रिमाइंडर एज स्टैंडर्ड। हायर वेरिएंट गेट फीचर्स लाइक साइड एंड कर्टन एयरबैग्स, ट्रैक्शन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल लॉन्च असिस्ट एंड इसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर्स। तो ये तो आपको उसमें देखने को दोनों में मिल जाएंगे। और बाकी इसके एक्सटीरियर में तो देखें हम, इसमें आपको मिलेगा पैनोरामिक सनरूफ इंस्टेड ऑफ द रेगुलर सनरूफ इन द ओल्डर कार। अप फ्रंट द कन्वेक्शनल प्रोजेक्टर हेलोजन हेडलैम्प हैव बीन रिप्लेस्ड बाय एलईडी यूनिट। द फॉग लैम्प कंटिन्यूज टू बी हेलोजन यूनिट। एट द बैक बोथ द एसयूवीज गेट एलईडी टेल लैम्प्स। और इंटीरियर के बारे में आपको बता चुका हूँ, और अब मैं इससे ज़्यादा आपको बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, वीडियो उसके लिंक है, उसमें प्रॉपर डिटेलिंग रिव्यू मैंने दे रखा है कार के, ओल्ड क्रेटा की भी और न्यू क्रेटा की। और ये दोनों वीडियो शूट करी हुई है मैंने पावा ह्यूंडई जो कि है लिबर्टी करोल बाग के पास। अगर आप लोग वहाँ जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भी डाल सकता हूँ, आप प्लीज़ वहाँ पर विजिट करें। और बस वीडियो अगर अच्छी लगी हो, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और अगर कुछ छूट गया तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आप लोगों को ऐसे अपडेट्स मिलते रहे मेरे चैनल से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे।